so that the least possible distance between an object and its real image in a convex lens is 4f, where f is the focal length of the lens. तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, किसी लेंस के सामने, तो मान लीजिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा उन्होंने खुद ही कह दिया कि कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ है, और कह रहे इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज बन रही है. बच्चों आपको पता है इसकी रियल इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? उस साइड बनेगी. ऐसा ही होता था ना, क्यों? क्योंकि यहाँ जब लाइट आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा. अगर ये थिन लेंस है तो कुछ ऐसा रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ पे इसकी ये फाइनल इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन बनेगी. यहाँ लाइटें मिलेंगी तो यहाँ उसकी इमेज बन जाएगी, तो ये इमेज बन रही. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बन रही है, तो हमको प्रूव करना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो सेपरेशन है, ये पूरी डिस्टेंस, इस पूरी डिस्टेंस को कुछ नाम दे दो, स्मॉल डी. ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू फोकल लेंथ के 4 times से या तो बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए. मतलब हमको ये प्रूव करना है कि डी की वैल्यू 4f से या तो बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, ठीक है. तो बच्चों हम करते क्या है, हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की ये डिस्टेंस यू है. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है? यू. तो देखिए बच्चों, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू कह देते हैं. यू को हम कुछ मान लेते हैं वैल्यू, मान लेते हैं एक्स है. यू की वैल्यू क्या है? एक्स है. तो ये इमेज होगी, ये वी होगी. तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सोचो. तो भाई यू प्लस वी कितना है? डी. तो यू प्लस वी कितना है? डी. बट यू को हम यहाँ क्या मान चुके हैं? एक्स. यानी कि v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगी d माइनस यू, यानी कि u की वैल्यू यहाँ रख दो तो v बराबर आ जाएगा d माइनस एक्स. तो v की वैल्यू क्या आ गई? d माइनस एक्स. ये v आ गया, ठीक है. तो v की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये वाली वैल्यू क्या आ गई? d माइनस एक्स. हमको बच्चों यहाँ प्रूव करना है कि ये जो d डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू फोकल लेंथ के 4 times से या तो ज्यादा है या उसके बराबर, ठीक है. तो हम यहां पर बच्चों एक सिंपल सा लेंस फार्मूला यूज करेंगे रियल इमेज में. हमको पता है ना लेंस का फार्मूला क्या होता है उसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए. तो फ्रॉम लेंस फार्मूला, ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए. तो बच्चों क्या वैल्यू आएगी जरा बताओ? ये आएगा 1/f बराबर 1/v. v का मतलब ये वैल्यू, यानी कि d माइनस एक्स माइनस 1/u. u का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? x. तो चूंकि ऑब्जेक्ट क्या है, लेंस के पीछे साइड है, इसलिए डिस्टेंस कैसे रहेगी? निगेटिव रहेगी. तो आ जाएगा माइनस एक्स, ठीक है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो कैसे कर सकते हैं भाई? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1/f बराबर, इसको जरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1/d माइनस एक्स प्लस 1/x. एलसीएम ले लो बच्चों, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा एक्स प्लस डी माइनस एक्स अपान डी माइनस एक्स इंटू एक्स. देखो ये एक्स एक्स कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इधर से ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इधर आएगा, यानी कि एक्स इंटू डी माइनस एक्स. देखो ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ये एफ इधर आएगा, तो बराबर क्या आएगा? एफ डी. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आएगा? ये आएगा एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एफ. अच्छा अब देखिए भाई, इसके बाद क्या कर सकते हैं भाई? हमको तो x की वैल्यू को कुछ रियल दिखाना है, ठीक है, तब हमको ये कंडीशन अपने आप में भी मिल जाएगी. क्या करेंगे बच्चों? देखो इसके लिए इसको थोड़ा इन सबको उधर ले जाओ. उधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर निगेटिव उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर. ये एक्स डी उधर जाएगा, इधर प्लस का है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का. तो माइनस का एक्स डी है, और ये एफ डी तो उस तरफ है ही, तो प्लस का एफ डी. और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है. तो ये इक्वेशन बन गई,
भाई देखो, यहां से अगर हमको x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो अगर हम श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज कर लें, श्रीधराचार्य फार्मूला मतलब याद होगा कि अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है, तो उसका जो एक्स का वैल्यू था, जो रूट निकालना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके लिए हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूले का भी यूज कर सकते थे कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए, ये फार्मूला होता था। अगर इस फार्मूले का हम यहाँ यूज कर लें तो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां से कुछ हमको बनता दिखेगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, वन, वहां एक्स स्क्वायर के साथ क्या था, ए, यानी कि यहां पे अगर हम बात करें तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या होगी, देखो तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या होता था, बी, यहां एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या है, माइनस टी, तो बी की जगह क्या आ गया, माइनस टी आ गया। अच्छा, और सी की जगह वहां पे प्लस सी, तो यहां सी की जगह क्या है भाई, देखो ध्यान से, एफ डी। अब फ्रॉम श्रीधराचार्य फार्मूला एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जरा बताओ हमको, ये आएगा माइनस का बी, बी की जगह ये माइनस डी रख देंगे ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, तो बी की जगह ये माइनस डी का स्क्वायर, अच्छा, माइनस फोर ए, ए की वैल्यू वन और सी, सी की वैल्यू एफ डी अपान टू ए, ए की जगह वन। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चे यहाँ पे डी प्लस माइनस रूट में डी स्क्वायर माइनस फोर एफ डी अपान टू। अब देखिए बच्चों, अगर x की वैल्यू रियल होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू भाई रियल तो होती है, रियल में कुछ उसकी वैल्यू होती है, तो जब x को रियल होना चाहिए इसका मतलब ये चीज़ जो है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। भाई रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ गया तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ना, तो x इमेजिनरी तो होता नहीं, x तो रियल है। तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ x यहाँ पर लिखेंगे, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की रियल वैल्यू के लिए हम बात करते हैं, तो क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस फोर एफ डी, ये वाला टर्म, ये बच्चों जीरो से बड़ा होना चाहिए, अगर जीरो से छोटा हो गया तो ये वाला टर्म ज्यादा हो जाएगा, निगेटिव वाला, इसका मतलब ये इमेजिनरी बन जाएगा, इमेजिनरी नहीं बना, रियल होना चाहिए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, बड़ी कर लो बच्चों, तो क्या आएगा, देखो तो डी स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू फोर एफ डी, एक डी का हट जाएगा इधर उधर से, तो डी किससे बड़ा होना चाहिए, फोर एफ से। सो द सेपरेशन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू फोर एफ, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो दूरी है वो फोर एफ यानी कि फोकल लेंथ के फोर टाइम्स या तो ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। ये इसका आंसर हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।